नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा हर वीडियो की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाने के लिए। आप अगर बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक पेपर और है जो कि हिंदी का पेपर है, और हिंदी के पेपर में पास होना जरूरी है। यानी कि 100 अगर प्रतिशत की बात करें तो 30% लेकर आना आपका जरूरी है। लेकिन अगर हम 200 मार्क्स में 60 नंबर लेकर आ जाते हैं तो हम लोग सेफ स्कोर में होंगे। सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं मैं अभी, यहां पे आपको उससे बचना है और आप लोग आसानी से बच सकते हैं। ये एक ऐसा पेपर है जहां पे आप लोग आसानी से पास भी हो सकते हैं। जितना भी हो सकता है प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने लिया है उसका प्रैक्टिस लगाते रहिए, और खासकर ग्रामेटिकल पार्ट पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। आज के इस वीडियो में बहुत जल्दी हम लोग कवर करेंगे 100 प्रश्नों को जो कि आपके इसी पैटर्न पे एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं उन सभी प्रश्नों को हिंदी से जुड़े हुए। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा, लेकिन उससे पहले आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। जी हाँ, तो पहले सवाल कुछ इस तरह से दिखेगा आपको यहाँ पे दोस्तों, कि गद्यांश लिखा रहेगा, ठीक है। और इस गद्यांश में आप लोगों को पढ़ के इसके ऊपर जो क्वेश्चन होंगे वो आपको बताने हैं। तो देखिए, मैं थोड़ा सा स्पीड में यहाँ पढ़ लेता हूँ जहां पे गद्यांश दिए गए हैं। जहां भी दो नदियां आकार मिल जाती है उस स्थान को अपने देश में तीर्थ कहने का रिवाज है। और यह केवल रिवाज ही नहीं बल्कि यहाँ पे बात नहीं है बल्कि सचमुच में मानते भी हैं कि अलग अलग नदियों के स्नान करने से जितना पुण्य होता है दोस्तों उसमें कहीं अधिक पुण्य संगम स्नान में होता है। किंतु भारत आज जिस दौर से गुजर रहा है उसमें असली संगम वे स्थान है जो कि सभाएं और वे मंच हैं जिन पर की एक से अधिक भाषाएं एकत्रित होती हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा इन सभी चीजों को। नदियों की विशेषता यह है कि वे अपनी धाराओं में अब अनेक जनपदों का सौरभ, अनेक जनपदों के आंसू और उल्लास लिए चलती है, और उनका प्रारंभिक जो मिलन है वो वास्तव में नाना प्रकार यानी कि अनेकों प्रकार के आंसू और उमंग और भाव और विचार और आशाएं और शंकाएं समाहित होती हैं। अतः जहां भाषाओं का मिलान होता है वहां पर वास्तव में विभिन्न जनपदों के हृदय से मिलते हैं, उनके भावों विचारों के मिलन होते हैं, भिन्नताओं में छिपी हुई एकता और वहाँ के कुछ अधिक प्रत्यक्ष जो कि हो उठती हैं। और इस दृष्टि से भाषाओं के संगम आज सबसे बड़े तीर्थ हैं, और इन तीर्थों में जो भी भारतवासी श्रद्धा से स्नान करता है वह भारतीय एकता का सबसे बड़ा सिपाही और संत होता है। दोस्तों, हमारी भाषाएं जितनी ही तेजी से जनेंगी और हमारे विभिन्न प्रदेशों का पारंपरिक ज्ञान उतना ही बढ़ता जाएगा। भारतीय को चाहिए कि वे केवल अपनी भाषा ही में प्रसिद्ध होकर ना रह जाएं, बल्कि भारत की अन्य भाषाओं में भी उनके नाम पहुंचाने का और पहुंचे, और उनकी कृतियों जो कि उनका जो पारंपरिक कृति है उसको चर्चा हो वहाँ पे, उसके बारे में भाषाओं के जागरण का आरंभ होते ही दोस्तों एक प्रकार का अखिल भारतीय मंच आपसे आप प्रकट हो जाता है, अपने आप ही प्रकट होता है। और आज प्रत्येक भाषा के भीतर यह जानने की इच्छा उतना हो गया है कि भारत की अन्य भाषाओं में क्या हो रहा है, उनमें कौन कौन से ऐसे लेखक हैं और कौन सी विचारधारा है वहाँ की प्रभु सत्ता प्राप्त कर रही है। तो ये इस तरह से आपको गद्यांश मिल गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ रहेंगे जो कि आपको यहाँ पे करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ देगा कि इस गद्यांश में नदियों की क्या विशेषता लेखक ने बताई है। तो देखिए, एक तो भाषा से जुड़े हुए तथ्यों को बताया गया है, तो यहाँ पे बोल दीजिएगा कि नदियां जो है अनेक प्रदेशों से बहते हुए अपने साथ विविध जन समूहों के जीवन सुगंध, हर्षानंद, आंसुओं और उनके भाव विचार आशाएं समस्याएं अपने समाहित करते हुए बहती जाती हैं। तो ये भाव है यहाँ पे इस लेखक के जरिए जो कि प्रकट किया गया है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि दो नदियों के संगम स्थल को क्या कहा गया है इस गद्यांश में। तो आंसर कर लीजिएगा, तीर्थ स्थल कहा गया है। सवाल नंबर 3, भाषाओं के संगम के बारे में लेखक का क्या विचार है। तो आंसर कीजिएगा, भाषाओं के संगम में गोता लगाने वाले श्रद्धालु भारतवासियों को सबसे बड़ा सिपाही मानते हैं और उनको संत कहा गया है क्योंकि वो भारत की एकता का स्रोत दिखलाते हैं। ऐसा यहाँ पे लेखक ने कहा है। जी हाँ, भाषाओं के संगम के ऊपर, तो आंसर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 4, अलग अलग प्रदेशों में आपसी ज्ञान किस प्रकार बढ़ सकता है।
तो जब पारंपरिक मिलन में वास्तव में नाना प्रकार के आंसू और उमंग भाव और विचार आशाएं और शंकाएं समाहित होंगी तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, अलग अलग प्रदेशों में आपसी ज्ञान किस प्रकार बढ़ सकता है, तो देखिए आंसर कर लीजिएगा। जो गद्यांश दिया गया है उसमें लेखक का ये विचार है इस तरह का। सवाल नंबर 5, भारतवासी समस्त पद का समास विग्रह बताइए। देखिए क्वेश्चन ग्रामर डाल ही दिया गया, आखिर इसमें भी समास पूछ लिया गया यहाँ पे, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों भारत के वासी जो है वो तत्पुरुष समास है। ठीक है, क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन अलग है यहाँ से, ठीक है। 1 से 5 तक ही वो था गद्यांश के ऊपर। मैंने आपको ये एक जो गद्यांश है वो एक जो प्रैक्टिस बुक है वहां से उठाया है, चूंकि इसलिए उठाया है चूंकि आपको बताना जरूरी है कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, पैटर्न समझाना जरूरी है। बाकी आप लोग तो मास्टरमाइंड है ही, आप लोग जरूर आंसर करके आएंगे ऐसे प्रश्नों का। ठीक है, ज्यों ज्यों यहाँ पे बुढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आंसर कीजिएगा ये विरोधाभास अलंकार है, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 7, कंकन कंकण किन किन नुपुर धुनी सुनी में कौन सा रस है? तो बिल्कुल याद रखिएगा इसमें है श्रृंगार रस, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 8, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसमें दोहे के ऊपर चौपाइयां लिखी गई हैं, दोहा चौपाई शैली है, शौली लिख दिया यहाँ पे, शैली है, याद रखेंगे। तो आंसर क्या कर लेंगे, ए इज द राइट आंसर। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इनमें से, चुनिए चारों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो शनक जो है ना, यहाँ पे जो शब्द है ये एक स्त्रीलिंग वर्ड है। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, ये अधिकरण कारक है, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 11, अंधा युग किस प्रकार की रचना है? अंधा युग किस प्रकार की रचना है? तो ये काव्य नाट है, नाटक है, याद रखेंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 12, भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ एक ग्रंथ है? भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ एक ग्रंथ है? याद रखेंगे, ए खड़ी बोली इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 13, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो याद रखेंगे स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनि को, यानी नाक से निकली हुई ध्वनि को अनुस्वार कहते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 14, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतरा, सॉरी माफ करेंगे, संतार, सकल, सचल, सक्षम शब्दों को सही क्रम में बताएं, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द हिंदी डिक्शनरी आपको ये बताना है। तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे पहले सकल होगा, फिर उसके बाद सचल होगा, फिर उसके बाद संतान होगा, ठीक है, संतान होगा, ये संतार लिख दिया गया, संतान होगा और फिर सक्षम होगा, तो सी उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। सवाल नंबर 15, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन सा है भाई, याद रखेंगे, आंसर कर लीजिएगा, ए ज जो है यहाँ पे, ठीक है, ये घोष वर्णों में आता है। सवाल नंबर 16, जिव्या के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अगर हिंदी का बुक आप लोगों को पढ़ना है तो देखिए, एक तो मैंने आपको बुक बताया था क्राउन पब्लिकेशन का आता है सामान्य हिंदी का बुक, ठीक है, वो ले सकते हैं, या तो फिर आप एक अरिहंत पब्लिकेशन का आता है बुक, है ना, अरिहंत पब्लिकेशन का जो कि ग्रामर का बुक है हिंदी सामान्य ज्ञान का, ठीक है, वो सामान्य हिंदी का, या आप ले सकते हैं सामान्य हिंदी का, है ना, वो ले सकते हैं आप लोग। जिव्या के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर यहाँ पे करेंगे 3 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। सवाल नंबर 17, ट जो वर्ग है उच्चारण की दृष्टि से अगर देखें तो किस प्रकार की ध्वनि यहाँ पे उत्पन्न करता है? ट, तो ट जो है दोस्तों ये मूर्धन्य है ना, मूर्धन्य वाला उच्चारण है यहाँ पे, दृष्टि से आंसर सी कर लेंगे। सवाल नंबर 18, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा क्या कहलाती है? व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है, जी हाँ, मानक भाषा, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे, कौन सा स्थान बोधक विशेषण नहीं है? तो आंसर कीजिएगा नहीं बोला गया है स्थान बोधक, देखिए निचले बिचले ऊपरले ये एक स्थान का बोध करा रही है, लेकिन सीधे जो है कोई स्थान का बोध नहीं करा रही है, ये एक दिशा है, तो आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा डी। सवाल नंबर चलते हैं 20 पे, संख्या गमन की सही संधि विच्छेद करें, तो
संख्या गमन का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों, जी हाँ, सखी प्लस आगमन, ठीक है, सखी प्लस आगमन, ठीक है, संख्यागमन, ठीक है, याद रखेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 21, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे इट्स ए सचल और चल जो है नहीं होगा यहाँ पे, बाकी निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का अनुदित और बंधन का मोक्ष, ये सही है, लेकिन यहाँ पे एक अशुद्ध है जो कि यहाँ पे विलोमार्थक दृष्टि से देखें तो एक युग्म अशुद्ध है यानी कि गलत है, याद रखेंगे सचल का चल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। सवाल नंबर 22, रक्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, रक्त का पर्यायवाची शब्द होगा लिहित, लिहित, नोट कर दीजिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 23 पे, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए चार विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन करना है आपको यहाँ पे, तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे अंगरक्षक जो है एक तत्सम शब्द है, तो बी हमारा उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 24, वकील जो है किस भाषा का शब्द है, वकील जो है किस भाषा का शब्द है, तो आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, उर्दू, उर्दू का एक शब्द है ये वकील। सवाल नंबर 25, नीचे दिए गए शब्दों को सही विलोम शब्द का छांटिए, मतलब सही जो विलोम शब्द दिया गया है वो बताना है, तो मौन का वाचल सही है, तिमिर का तमस सही है, और जो है यहाँ पे देखिए मौन का वाचल नहीं होगा या ना ही तिमिर का तमस होगा, और शोषक का पोषक भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, निष्कृष्ट का उत्कृष्ट होगा, ये सही है यहाँ पे, इसलिए ये सही है हमारा उत्तर। सवाल नंबर 26, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सही पर्यायवाची शब्द चुनिए, शिव, शिव देखिए आपको बता दें यहाँ पे, जी हाँ, शिव का पर्यायवाची होगा, जी हाँ, त्रिपुरारी, जी हाँ, आंसर क्या कर लेंगे, त्रिपुरारी। सवाल नंबर चलते हैं 27 पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है, तो आंसर कर लेंगे यहाँ पे ए रिक्शा जो है शब्द, यहाँ पे एक विदेशज शब्द है रिक्शा। सवाल नंबर चलता है 28 पे, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द चुने, देखिए इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों इट्स अ बी रामायण जो है ये लिखा गया है, ये सही लिखा गया है, ठीक है, वैसे तो यहाँ भी ये सही लिखा गया है, दोनों ही है ना, कुछ यहाँ पे अंतर होगा, रामायण होता ये आकार नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा बी उत्तर कर लीजिएगा। सवाल नंबर 29 किस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए शब्द का तद्भव रूप है, तो अट्टालिका का तद्भव क्या है यहाँ पे, जी हाँ, याद रखिएगा अट्टालिका का अटारी जो शब्द है यहाँ पे, ये इसका तद्भव है अट्टालिका का। सवाल नंबर 30, कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण पहचानिए, बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, ये संख्यावाचक है, सी इज द करेक्ट आंसर, कुछ क्या है, संख्या बोधक है। तो सवाल नंबर 31, आसमान का रंग नीला है विशेष पहचानिए, तो नीला है जिसका रंग आसमान का, तो ये याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा, आसमान की विशेषता बताई जा रही, इसे विशेष हो गया, ठीक है, विशेषता बोलता तो यहाँ पे ध्यान रखिए नीला होता। सवाल नंबर चलते हैं यहाँ पे 32 पे, उपद्रवी लोगों से सभी दूर रहना चाहते हैं, वाक्य का मिश्र रूपांतरण क्या होगा, तो क्वेश्चन रहेगा ये ऐसा, बिल्कुल जो उपद्रवी लोग होते हैं सभी उनसे दूर रहना चाहते हैं, इसमें मिश्र रूपांतरण यही है यहाँ पे, ठीक है, उपद्रवी लोगों से सभी दूर रहना चाहते हैं, तो जो उपद्रवी लोग हैं उस सभी सभी उनसे दूर रहना चाहते हैं, ये जो है टूटेगा यहाँ पे बात, और ये मिश्र रूपांतरण इसका बनेगा। सवाल नंबर 33, फीस माफ कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो, किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है, इससे लिखो, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे ए, ये सरल वाक्य है, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 34, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य नहीं है, तो आंसर कर लीजिएगा, इतना कहने पर भी वह नहीं आया, ये एक सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य नहीं है, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 35, जिस बात में कर्म की प्रधानता होती है वहां कौन सा बात होता है, बिल्कुल कर्म वाच्य इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 36, धीरे धीरे, धीरे धीरे ये क्या है, तो कार्य क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है,
सवाल नंबर चलते हैं 37 पे। निम्नलिखित में से प्रश्नों में से चार विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। ठीक है, यानी कि ये चीजें हो चुकी हैं तो ये संभावनाएं हैं, संदिग्ध है, तो आंसर यहाँ पे हम लोग करेंगे दोस्तों, ये संदिग्ध तो होता लेकिन अगर वो पास्ट फ्यूचर में लिखा रहता तो, लेकिन हेतु हेतु मद भूतकाल है, ये याद रखेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 38 पे। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको, उस सर्वनाम को कहते हैं दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। सवाल नंबर चलते हैं 39 पे। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वहां के का सही विकल्प भेद पहचानिए। तो 39 का यहां पे कर लीजिएगा दोस्तों, ये निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वहां के सही विकल्प भेद पहुंचाने, तो यहाँ पे ऑप्शन वो दिया ही नहीं गया है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन में स्प्रिंट है। सवाल नंबर 40, इस विकल्प का चयन करें, विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। माथे पर बाल पड़ना, तो माथे पर बाल पड़ना यानी कि असंतोष प्रकट करना, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 41, निष्कलुष्क का विलोम शब्द क्या होगा? निष्कलुष्क का विलोम शब्द क्या होगा? याद रखेंगे दोस्तों ये होगा कलुष, सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 42, कौन सा शब्द पुलिंग है? यहाँ पे आंसर करेंगे, जी हाँ, कौन सा शब्द पुलिंग है? डी इज द करेक्ट आंसर, गौरव इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 43, जो आंखों के सामने हो उसके लिए शब्द बताइए। बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा 43 का, इट्स अ बी, प्रत्यक्ष इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 44, सामाजिक पदों पुनरुत्त युग्मों शब्दों के मध्य किया जाता है, सामाजिक पदों जो है का युग्म जो है शब्दों के मध्य किया जाता है, सामाजिक पदों का, तो ये याद रखिएगा योजक चिन्ह के बीच किया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 45, मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है? संन्यास इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 46, दोस्तों वृक्षछाया का संधि विच्छेदन क्या होगा? बिल्कुल याद रखेंगे वृक्ष प्लस छाया, तो डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 47, दिन रात अध्ययन करके वह प्रथम स्थान प्राप्त कर सका, नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो अध्ययन का शुद्ध वर्तनी, यानी कि अध्ययन ये गलत लिखा गया है, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे अध्ययन ऐसे लिखाएगा, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 48 to 49, तो निम्नलिखित शब्दों का समास बताइए। तो रस भरा का समास हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। सवाल नंबर चलते हैं 49 पे, सह स्नान दोस्तों याद रखिएगा ये है आपका बहुव्रीहि समास, सी इज द करेक्ट आंसर। 50 पे, अढ़ाई शब्द का विशेषण क्या होगा? अढ़ाई शब्द का विशेषण है, किस तरह का विशेषण है? अढ़ाई शब्द में विशेषण है, क्वेश्चन पूछा गया है, ये अपूर्णवाचक विशेषण है, क्या है? अपूर्णवाचक। सवाल नंबर 51, प्रत्येक शब्द में संधि है, तो कौन सा संधि है प्रत्येक में? याद रखिए, आंसर कीजिए यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में, यण संधि होता है ये। सवाल नंबर चलते हैं 52 पे, ₹25 दीजिए में कौन सा विशेषण है ये बताना है, आपको पैसे नहीं देने यहाँ पे, ठीक है? तो आंसर कर लीजिएगा निश्चित संख्या वाचक है ये, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 53, दिए गए विकल्पों में से विकिरण शब्द का विप्रार्थक शब्द कौन सा है? जी हाँ, आंसर कर लेंगे दोस्तों एकत्र, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 54 पे, भ्रम या भुलावे में पड़ना इस अर्थ का कौन सही मुहावरा है? आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे चक्कर खाना, भ्रम या भुलावे में पड़ना यानी कि चक्कर खाना, यानी कि बार बार आगे पीछे करना। राह ना सूझना मुहावरे में सही अर्थ क्या होगा? राह ना सूझना, तो आंसर कर लीजिएगा बी, यानी कि उपाय ना मिलना। सवाल नंबर 56, स्थायी रूप से रहना इस अर्थ का सही मुहावरा चुनिए। देखिए फटाफट मैं आपको सारी चीज़ें करा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ बताने लायक है नहीं चीज़ों को, आपको ये खुद से भी टेस्ट लगाना पड़ता है। जीके जीएस में थोड़ा सा चीज़ों को एलोबरेट किया जाता है, बताया जाता है, बट यहाँ पे हिंदी में चीज़ों को समझना है और खुद से भी पढ़ना है यहाँ पे। तो
स्थायी रूप से रहना, इस अर्थ का सही मुहावरा चुनिए। तो आंसर कर लीजिएगा डेरा डालना, सी इज द राइट आंसर। आग बबूला होना इस वाक्य में कौन सा सही वाक्य नीचे दिया गया है? बिल्कुल, दूसरी बार भी रंजू की रक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर रंजू के पिताजी आग बबूला हुए, यानी कि रंजू जो है फेल हो गई और उसके पिताजी फिर से आग बबूला हो गए। सवाल नंबर चलते हैं 58 पे, सही वर्तनी वाले शब्द चुनिए। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये अध्ययन यहाँ पे लिखा गया है, सही है। सवाल नंबर 59, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्दों में से जो शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसको चिन्हित करें। जी हाँ, कीश का मतलब मोर नहीं होता, इसलिए आंसर हमारा बी हो जाएगा। केकी, शीखी और सिंखांडी जो है मोर का पर्यायवाची शब्द है। नीचे दिए गए शब्द युग्मों में से त्रुटिपूर्ण है, कौन सा त्रुटिपूर्ण है यानी कि गलत है? अनुग्रह, आग्रह, ये गलत हुआ, यहाँ पे आंसर ए कर लीजिए। सवाल नंबर 61, बिना दीवारों का घर, ठीक है, मन्नू भंडारी की आकृति किस विधा पर आधारित है? आंसर कर लेंगे दोस्तों ए, नाटक इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 62 पे, रचना के आधार पर सरल वाक्य, खाली जगह और खाली जगह वाक्य के भेद हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है रचना के आधार पर सरल वाक्य जो हैं, जी हाँ, संयुक्त और मिश्रित वाक्य के भेद हैं। आंसर क्या कर लेंगे, संयुक्त और मिश्रित सरल वाक्य, ठीक है। सवाल नंबर 63, पारा ना उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? तो आंसर कर लीजिएगा घमंड दिखाना। सवाल नंबर 64, उसने कहा था, कहानी के कहानीकार हैं, ठीक है, उसने कहा था, इस कहानी के कहानीकार कौन थे? तो आंसर कीजिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी इज द राइट आंसर। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस स्वर नाम का प्रयोग किया गया है? आंसर कर लेंगे दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनिक सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। सवाल नंबर 66, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे निर्माण, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 67, चरण कमल बंदो हरियाई, इस पंक्ति में रचनाकार कौन है? आंसर कर लेंगे सूरदास की ये रचना है, चरण कमल बंदो हरियाई। चलिए यहाँ पे 68 से लेकर 72 तक एक क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें ये आपके कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, इसको पढ़ना है और इसके ऊपर भी आपको उसका उत्तर करना है। मेरे एक परिचित सज्जन थे, किसी दफ्तर में बाबू थे, अच्छी तनख्वाह मिलती थी, परिवार का दायित्व सीमित था, कुछ पैसे भी जोड़ रखे थे। उनकी बातचीत से पता चलता था कि वे हर माह कुछ बचा लेते हैं और उनका बैलेंस बढ़ता जा रहा है। मुझसे थोड़ी घनिष्ठता बढ़ी तो उन्होंने अपनी यह आदत बना ली कि दफ्तर से छूटें और सीधे मेरे दफ्तर हाजिर। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि मैं जब तक अपने सारे काम निपटाने लेता था, मेज से नहीं हटता था, और उन दिनों काम का ऐसा अंबार था कि रात 8 बजे से पहले कभी फुर्सत ही नहीं होती थी। इसी बीच जो परिचित महोदय आते, मैं उनके लिए एक प्याली चाय मंगवा देता और अपना कार्य करने में लग जाता था। मैंने गौर किया कि परिचित महोदय को मेरा यह रवैया बुरा लगता था। कभी कभी तो मेरी सरलता का लाभ उठाते हुए वे मेरे सामने पड़े कागजों को बटोरते हुए कहते थे कि छोड़िए इन सब कागजातों को, कुछ सुनाइए। प्रारंभ में 2-4 बार तो मैं उनको हंसकर टालता रहा। बाद में एक दिन कहा मेरे यहाँ आपका स्वागत है, मगर कृपा करके ऐसा मत किया कीजिए, मुझे अपनी जिम्मेदारियों से निपटने दीजिए। आप जानते हैं कि मेरा दफ्तर है, घर नहीं। अगर मैं गप करने लग जाऊं तो मेरी जिम्मे में जो काम है उनको कौन करेगा? रही बात मन बहलाने की, तो मन बहलाने के लिए आप शौक से सिनेमा जाइए, पार्क में जाइए, कृपा करके मेरे दफ्तर में क्लब में बनाइए मत बनाए, ठीक है, इस दफ्तर को क्लब ना बनाए। इस पर वो अपनी नाराजगी छिपाते हुए बोले, भाई ऐसा मैं आपके भले के लिए कर रहा हूँ, पूरे दफ्तर के कामों की चिंता अपने आप ऊपर लेकर क्यों ओढ़े हुए हैं? इतनी चिंता करते तो आपकी सेहत का बुरा हाल हो जाएगा। मैंने उनसे कहा, ये सारे काम मेरे लिए चिंता हो तभी सेहत का बुरा हाल होगा। मैं इन चिंताओं को कर्तव्य के रूप में अपनाया हूँ।
जिम्मेदार व्यक्ति चिंताओं के कर्तव्य के रूप में अपनाता है और गैर जिम्मेदार व्यक्ति उन्हें गले से लिपटा हुआ सांप समझता है। इनका ये विचार है। तो अब यहाँ पे इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जो कि मैं आपसे पूछूंगा। देखिए, कहानी तो सुना दिया हमने, तो उपर्युक्त गद्यांश का संबंध किससे है? बिल्कुल, ये एक आत्मकथा है, एक व्यक्ति की आत्मकथा है। तो परिचित सज्जन की आदत बन गई थी, तो अपने दफ्तर से सीधे लेखक के दफ्तर वो पहुंच जाते थे। तो लेखक की आत्मकथा है, याद रखिएगा। परिचित सज्जन का लेखक के दफ्तर पहुंचने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अपना मन बहलाना। जी हाँ, कुछ इसी काम से वो आते थे। सवाल नंबर 71, जिम्मेदार व्यक्ति चिंता को किस तरह लेता है? तो बिल्कुल कर्तव्य के रूप में उसको अपनाता है। सवाल नंबर 72, उपयुक्त गद्यांश में के माध्यम से लेखक पाठकों को क्या बताना चाहते हैं? तो वो बताना चाहते हैं कि चिंता को कर्तव्य के रूप में अपनाने की सलाह देते हैं, ऐसा ये लेखक कहते हैं। डी होगा। सवाल नंबर अब 73 पे चलते हैं दोस्तों। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो, वह काल कौन सा काल होगा? संदिग्ध काल, संदिग्ध वर्तमान काल होगा, वो याद रखिएगा। सवाल नंबर 74, रिक्त स्थान को भरें। व्यक्ति का गौरव, बिल्कुल व्यक्ति का गौरव तथा तथा देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 75, हानि का विलोम क्या होगा? बिल्कुल लाभ होगा। सवाल नंबर 76, अनुचित विकल्प को जोड़ा कौन सा है? अनुचित विकल्प का, है ना, अनुचित विकल्प का जोड़ा, विकल्प को जोड़ा कौन सा है? तो 76 का उत्तर करेंगे दोस्तों उन्नत और उन्नति, जो है ये सही है। बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 77, निम्नलिखित में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? आंसर कर लेंगे दोस्तों ए, उस बिंदु का चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। ठीक है, आंसर कर लीजिएगा। ये भ्रांतिमान अलंकार से उत्पन्न हुआ एक वाक्य है, उस बिंदु चुग रही हसीन मोती उनको जान। सवाल नंबर 78 से लेकर देखिए 82 तक दिए गए, नीचे दिए गए वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटियों वाला जो वहां के लिए जिस भाग में त्रुटि है उसको आप अनुरूपित करें अक्षरों से, ए बी और सी से उत्तर चुनिए, और वहां कोई भी और त्रुटि ना हो तो डी ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। चलिए देखिए, यहाँ पे अणु अस्त्रों की शक्ति, ठीक है ये सही है, संपूर्ण पृथ्वी को ही, ये गलत हो जाएगा, संपूर्ण पृथ्वी का ही, ठीक है, तो बी हो जाएगा यहाँ पे गलत वाक्य में। घर में कैसा वातावरण उपस्थित है, ये त्रुटि है या नहीं है तो बताइए, इसमें आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो उपस्थित जो है यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, घर में कैसा वातावरण है, उपस्थित नहीं है, सिर्फ है। सवाल नंबर 80, दोस्तों प्रत्येक मानव से मेरा प्रेम है, इसमें क्या त्रुटि है? तो आंसर कर लीजिएगा मेरा प्रेम है, प्रत्येक मानव से मेरा प्रेम है, यही त्रुटि है, मेरा प्रेम जो है नहीं होना चाहिए, प्रत्येक मानव से प्रेम है होना चाहिए या फिर होगा। सवाल नंबर 81, प्रयाग में संगम के दृश्य देखने योग्य हैं, इसमें क्या त्रुटि है? तो देखने योग्य है ना, प्रयाग में संगम के दृश्य देखने योग्य हैं, ये इसमें देखने योग्य जो है ये त्रुटि है। सवाल नंबर चलते हैं 82 पे, कार्य कर अकारण आए व्यवधान के फलस्वरूप मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया। तो कार्य कर अकारण आए, यही यहाँ पे त्रुटि है इस वाक्य में, ठीक है, किसी कारण से हम घर आए या फिर कार्य के दौरान आए, ये होगा। सवाल नंबर 83, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए, आंसर कर लीजिएगा मेरे ऊपर कृपया करें, ये अशुद्ध वाक्य है यहाँ पर। सवाल नंबर चलते हैं 84 पे, अलमारी में कौन सी भाषा का शब्द है? अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? याद रखिएगा दोस्तों ये पुर्तगाली है, याद रखेंगे बी इज द करेक्ट आंसर। धार्मिक में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? जी हाँ, एक प्रत्यय है, याद रखेंगे। सवाल नंबर 86, अधिकार में उपसर्ग कौन सा है? अधि। सवाल नंबर 87, जिस वाक्य में इसलिए
और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जोड़ते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं? जी हाँ, नोट कर लेंगे, उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये और या और से जोड़े तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। 88 से 89 दो क्वेश्चन है, इसे बताना है कि प्रत्येक उपसर्ग के लिए चार चार विकल्प दिए गए, इनमें से सही उपसर्ग का चयन करें। तो अचल, अचल के लिए सही उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों अ। सवाल नंबर 89, अत्याधुनिक, अत्याधुनिक में दोस्तों अति, ठीक है, आंसर कर लीजिएगा बी। धावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इसमें अक प्रत्यय लगा है, सी। सवाल नंबर 91, हिंदी की दृष्टि, हिंदी की विष्टि बोली जो कि ब्रज भाषा, किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? आंसर कर लेंगे काव्य भाषा में। सवाल नंबर 92, कौन सा शब्द बहुवचन है? बी, प्राण जो है ये बहुवचन है। रेखा अंकित किए गए पदबंध चुनिए, मैदान की वह सुखद हरियाली अनिवार्य है। तो आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे ये विशेषण पदबंध है। सवाल नंबर चलते हैं 94 पे, विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए परंतु संवेदनशील दिन प्रतिदिन, जी हाँ आंसर कर लेंगे यहाँ पे दुर्लभ होती जा रही है। विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए परंतु संवेदनशील दिन प्रतिदिन दुर्लभ होते जा रहे हैं, तो आंसर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 95, दोस्तों इस विषम परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन होगा, ये वाक्य यहाँ पे सही जमता है, तो आंसर यहाँ पे हम डी करेंगे। सवाल नंबर 96, तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर, जी हाँ कर्मों पर परिताप हो रहा है। ठीक है, आंसर क्या करेंगे, परिताप हो रहा है। सवाल नंबर 97, क्या दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है? तो धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार होता है। सवाल नंबर 98, कलाकार की कलाकृति की जनता की कलाकार की कलाकृति में जनता की आकांक्षाओं प्रतिफलन को होना चाहिए, आंसर यहां पे हम बी कर लेंगे। सवाल नंबर 99, मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली है, ये ध्यान रखिएगा। और पंजाबी की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी है, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और हिंदी से जुड़े हुए प्रश्नों का जो श्रृंखला था हमने आप तक पहुंचाया है, जिसमें कि एक सेट मैंने ऑलरेडी पहले भी दिया था आपको ये श्रृंखला। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बताइएगा, धन्यवाद। इसका PDF आपको YT Education के टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया गया है।